हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टॉक मार्केट चैंपियन। इस चैनल पे सिर्फ मल्टीबैगर स्टॉक और वीडियो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समय पर दी जाती है। इसीलिए इस चैनल पे पहली बार आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अडानी विल्मर्स शेयर के बारे में, जिसने शानदार बाउंस बैक करके हम लोगों को दिखाया है। मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने खराब होने के बावजूद भी अडानी विल्मर में आज 5% का अपर सर्किट रहा सारा दिन। बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए टूटा तो उसमें कुछ लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो हम लोग बात करेंगे क्या ये शेयर अब 1000 पार होकर ही रुकेगा, ऐसे ही अपर सर्किट लगाता रहेगा रोज रोज, और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है अदानी विल्मर को लेकर, वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा अदानी विल्मर किस तरह की कंपनी है, क्या ये बिजनेस करती है, कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो ये दोस्तों, सबसे पहले अदानी विल्मर कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्चून ब्रांड के अंदर जितने भी आप लोगों ने सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, जितने भी ऑयल आपने यूज किए हैं वो सब बनाती है उसको अदानी विल्मर। इसके अलावा फॉर्चून ब्रांड के नाम से आप लोगों ने आटा, चीनी, दाल ये सब परचेज किया होगा, ये भी अदानी विल्मर ही बना रही है। तो दोस्तों, फॉर्चून का ब्रांड सुन के आप लोग जान ही गए होंगे कि अपने इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें फॉर्चून का एक भी प्रोडक्ट यूज ना किया हो। हर किचन में यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट है जो बनाती है अदानी विल्मर। आज दोस्तों थोड़े से फंडामेंटल्स देख लेते हैं अदानी विल्मर कंपनी के, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस के क्या व्यू है अदानी विल्मर के ऊपर। अदानी विल्मर जो कंपनी है उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन 79,592 करोड़ की है, लार्ज कैप कंपनी है ये दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% का मेंटेन है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5% की मेंटेन है। लोअर हाई देख लीजिए दोस्तों, 21 का लोअर, 878 का हाई इसने लगाया है। ये एक साल का लोअर हाई नहीं है बल्कि सिर्फ 3 महीने का लोअर हाई है, इसको भी लिस्टिंग हुए 3 ही महीना हुआ है, फेस वैल्यू उसकी एक ही चल रही है। दोस्तों एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालाइज कर लेते हैं। एज ऑन 2017 हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो दोस्तों, एज ऑन मार्च 2017 कंपनी की सेल्स होती थी 22,973 करोड़ की, जो कि बढ़ के मार्च 2022 में 52,361 करोड़ की हो गई। कितना शानदार जंप इसकी सेल्स में हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 643 करोड़ का होता था एज ऑन मार्च 2017, जो कि बढ़कर हो गया है 1,725 करोड़ एज ऑन मार्च 2022। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों तो 230 करोड़ का कंपनी को होता था एज ऑन मार्च 2017, जो कि बढ़कर हो गया है 808 करोड़ एज ऑन मार्च 2022। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो ही रहा है और मल्टीफोल्ड होता ही जा रहा है साल दर साल। दोस्तों एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 87.94% की होल्डिंग है, FIIs के पास 2.01% की होल्डिंग है, DIIs ने भी इसमें एंट्री बना लिया और 0.41% की एंट्री कर लिए हैं, और पब्लिक के पास 9.64% की होल्डिंग है। तो दोस्तों कंपनी बेहद शानदार है, हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट ये बनाती है। अगर बात की जाए तो अदानी सेगमेंट का सबसे अच्छा शेयर यही है जो लिस्ट है मार्केट में, अदानी विल्मर, क्योंकि ये FMCG सेक्टर से बिलोंग करता है, एसेंशियल आइटम्स ये बनाता है, तो कुछ भी हो जाए इसके बिजनेस को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आइए अब आप लोग को दिखाते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के क्या व्यूज हैं अदानी विल्मर पर। देखिए दोस्तों, ब्रोकरेज हाउस KR चोकसे ने अदानी विल्मर का टारगेट दिया है 734 रुपए का, जो कि 20% अपसाइड है करंट वैल्यू से, करंट मार्केट प्राइस से 20% अबव ये शेयर जा सकता है एज पर KR चोकसे ब्रोकरेज फर्म। तो दोस्तों, जब ये शेयर लगातार गिर रहा था, मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियो बना के बताया भी था कि बिल्कुल भी मत घबराइए, ये शेयर जरूर वापसी करेगा। जब ये वापसी करेगा तो आप लोगों को खरीदने का मौका नहीं देगा। इसी तरीके से अभी अपर सर्किट पे चलता रहेगा और कुछ ही महीनों में आप लोगों को 1000 पार करके दिखाएगा। जिन लोगों के पास ये शेयर है वो आंख बंद करके बैठिए, बिल्कुल भी बेचने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में तो सोचे ही मत। अगर शेयर मार्केट से वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। और जिन लोगों के पास ये शेयर नहीं है और वो पछता रहे हैं, तो अगर उन लोगों को मार्केट प्राइस पे बाय करने का मौका मिलता है तो इसको बाय कर लीजिए। ये मत सोचिए शेयर में गिरावट होगी तब हम खरीदेंगे, शानदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी में बार बार गिरावट नहीं होती है। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि वो लोग भी जान पाए अदानी विल्मर का शेयर अब की बार 1000 पार करके दिखाएगा। अभी इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।